हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव दुबे है और पहले भी शायद आपने मुझे दो वीडियोस में देखा होगा फुल स्कोर के। अभी बाल बाल कटवा लिए हैं, उम्मीद करता हूँ पहचान रहे होंगे। तो अभी आपका CHSL के एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं और लगभग 60 डेज बचे हुए हैं, तो इन 60 डेज में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में ही मैंने ये वीडियो बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत करिए मॉक्स है, 3 से 4 मॉक्स लगा लीजिए, या अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने अगर नहीं लगाए हैं तो आप पहले वो पेपर्स लगा लीजिए जो आपने पहले नहीं लगाए। तो इससे तो आप एक तो ये चीज़ है, आप एनालिसिस कर पाओगे कि आप किस सेक्शन में वीक जा रहे हो और किस सेक्शन में स्ट्रांग जा रहे हो। तो जिसमें स्ट्रांग जा रहे हो उसमें इतना एफर्ट मत डालिए, जो थोड़ा बहुत वीक जा रहा है उसमें अपना टाइम दे दीजिए। और रेगुलर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ का रोज़ मॉक ही लगा रहे हैं 5 से 6, इससे इतना बेनिफिट नहीं करेगा। कोशिश ये करिए कि जो चीज़ें उससे निकल के आ रही हैं उस पर आप मेहनत करिए, अपना रिवीजन करिए, ठीक है। और बाकी टाइमिंग की बात करता हूँ, मतलब मैथ्स टाइम क्या, मतलब मैथ्स के लिए बात करता हूँ। मैथ्स के लिए देखिए, जो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है उसी बुक में आपने टिक लगा लिया होगा कि कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं, कौन से क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के हैं, या हर टाइप का कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप चैप्टर रिवाइज करते हो तब करिए। अब अगर 300 क्वेश्चन है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे 300 क्वेश्चन लगा रहे हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो आपने पहले क्वेश्चन लगा रखे हैं कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन थे जहाँ मैं थोड़ा बहुत पहले फंसता था, तो उन क्वेश्चन को रिवीजन में अपने रखिए, ना कि उन क्वेश्चंस को जो आप बहुत आसानी से हर बार कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने हर सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे होंगे, खासकर अर्थमेटिक, या फिर आप मतलब मेंसुरेशन सेक्शन, अर्थमेटिक नहीं, मेंसुरेशन और एडवांस, मतलब एडवांस सेक्शन जो है मैथ का, उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी आ जाती है, जैसे फॉर्मूलेज आ जाते हैं और थ्योरम्स आ जाती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप रेगुलर रिवाइज करते रहिए। अर्थमेटिक में भी थोड़ा बहुत है, परसेंटेज है, मतलब बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा है, मतलब CISI है आपका, सिंपल इंटरेस्ट है, थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं उनको ही देखना होगा, लेकिन एडवांस मैथ्स में इन चीज़ों का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो नोट्स अपना वो रिवाइज, रेगुलर रिवाइज करते रहिए, बाकी जो आपका जो भी आपके पास चैप्टर्स हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए। 2 से 3 घंटे आप रोज़ कोशिश करिए कि आप मैथ को दे सको। इसके अलावा कुछ स्पेशल अप्रोचेज हैं, जैसे यूनिट डिजिट मेथड है, दो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके आप अपना यूनिट डिजिट आंसर की भी देख सकते हो। 4 ऑप्शंस में से शायद एक ही नंबर ऐसा हो जिसका यूनिट डिजिट आप मैच कर रहा हो। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है, 2 नंबर्स हैं, एक की यूनिट डिजिट 4 है और एक की 3 है, तो ओवरऑल जो आंसर रहेगा उसकी यूनिट डिजिट 2 होगी। तो ऑप्शंस चारों देख लीजिए, शायद एक ही कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें 2 यूनिट डिजिट हो, तो वहाँ से आप टिक लगा सकते हो। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड में अगर गैप ज़्यादा हो 4 ऑप्शंस में तो वहाँ पे वो काम कर जाता है। फॉर एग्जांपल 99 into मान के चलिए कि 2 है, छोटा सा ऐसे एग्जांपल लेते हैं, तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेशन से 200 के ही आसपास आएगा। और अगर ऑप्शंस ऐसे हैं, 800 है, एक 700 है, एक 1000 है और एक 200 है, तो आप मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि हाँ ये 200 के आसपास का आंसर है और यही आंसर होगा, ठीक है। और इसके अलावा फैक्टर मेथड भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, या और न्यूमरेटर में कोई ऐसा नंबर है 7, 11, 3, 5, इस तरीके का कोई भी नंबर है और आपको उसका फैक्टर में मतलब पता है कि इसके फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, तो आंसर में देख लीजिए कि आंसर में भी वो 7 का फैक्टर बन रहा है या 11 का फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। खासकर ये आपका जो एडवांस में आपको काफ़ी हेल्प कर जाता है, क्योंकि पाई कई जगह यूज़ होता है और पाई में 22 होता है, 22 मतलब 11 होता है, और 11 का मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में 11 से कट रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ काफ़ी हेल्प कर जाती है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ समझ गए होंगे आप। इसके अलावा इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में देखिए, आपने 5 से 6 चैप्टर्स हैं आपके, और 5 से 4 अच्छा, मैथ में क्या है कि आप कोशिश करिए कि 2 चैप्टर्स 2 नहीं तो कम से कम 1 चैप्टर आप रोज़ रिवाइज करिए। 20 दिन में अगर आप हैं तो 20 दिन में आप एक बार में मतलब एक बार गो थ्रू हो जाओगे सभी चैप्टर से,
वही जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले बताया, ठीक है। बाकी आप अगले 10 दिन में फिर दो करिए, फिर उसके अगले 10 दिन में तीन करिए, एक दिन में वो अपने आप होते रहेंगे, उसकी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार चैप्टर हो जाता है तो अगली बार दोगुनी स्पीड से होता है, नेचुरल फिनोमिना। उसके बाद इंग्लिश की फिर से आता हूँ। इंग्लिश में देखिए जो रूल्स हैं 5 से 6 चैप्टर्स में, उन रूल्स को अच्छे से पढ़िए, रोज़ कोशिश करिए एक चैप्टर का रूल्स जो भी हैं उसको अच्छे से इम्बाइब करिए, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन तो आप करते ही रहोगे, जो भी रिवीजन है मतलब एक्सरसाइजेस है, उन एक्सरसाइजेस को लगाते रहिए, जो जो भी आपने रूल्स पढ़े उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्रामर में दिख जाएगा। इसके अलावा वोकैब सेक्शन में इडियम फ्रेजेस हो गए, ठीक है, और आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, एंटोनिम्स होनेम हो गए, मीनिंग्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है इन चीज़ों को रेगुलर पढ़ते रहिए। आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे मार्क भी, मतलब जो नहीं आ रहे होंगे या बार बार आप गलती कर देते हो, कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ एक जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो उनको आपने कहीं ना कहीं वो मिलते रहे होंगे, तो उन चीज़ों को आप रेगुलर रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होकर अपने पेपर को दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, मॉक में मैंने एक चीज़ ये नहीं बताई, आप जब मॉक कर रहे होगे तो मॉक पूरा अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अभी ये मत करिएगा कि आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दे रहे हो और फिर देख रहे हो कि आप कितना क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अभी ये मत करिए। अभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, खासकर आप अगर जीएस को छोड़ देते हो, क्योंकि जीएस 5 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके तीनों सेक्शंस हैं उन तीनों सेक्शंस को आप पूरा पूरा अटेम्प्ट करिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, पूरा अटेम्प्ट करोगे तो एक तो आप अपने आप को सही से एनालिसिस कर पाओगे, दूसरी चीज़ आप अपनी स्पीड को भी देख पाओगे कि आप उस 1 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चंस कर पा भी रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अभी ये मॉक मत करिएगा, मॉक शुरुआत में 3-4 लगाइए और हर 2-3 दिन में एक मॉक लगा लिया करिए। इसके अलावा जीएस की बात करूँ तो जीएस में करंट देखिए मार्च तक का आपने पढ़ रखा होगा, इन 2 महीनों में 2-3 महीनों में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए भी नहीं है COVID-19 की वजह से, फिर भी जो थोड़ा बहुत न्यूज़ में हो आपको कहीं ना कहीं से पता ही चल जाएगा यूट्यूब वीडियो से या जो भी है, जो भी करंट है आपका, मतलब मेरे हिसाब से आप जुलाई तक पढ़ लीजिए, हो सकता है कि वो पिछले पेपर्स के क्वेश्चन हटा के अब जुलाई तक के कुछ नए करंट रख सकते हैं, और अगर रखते हैं आपका बेनिफिट हो जाता है। ज़्यादा करंट मटेरियल होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं है, जो भी हुई हैं उसको देख लीजिएगा एक बार, बेनिफिट करेगा आपको। और जो भी आपने पहले सब्जेक्ट्स अपने पढ़ रखे हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा अच्छा करिए, और जो चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है उसको फिर से बिल्कुल मत पढ़िए। जैसे मैं इकोनॉमिक्स मैंने कभी पढ़ी ही नहीं क्योंकि मुझे आती ही नहीं थी और समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मैंने कभी भी इकोनॉमिक्स को छुआ ही नहीं, और क्योंकि क्वेश्चंस भी कम आते थे। और हिस्ट्री में मॉडर्न जो है पढ़ लीजिए, और एंशियंट और मेडिवल का जो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। अगर आपको बिल्कुल हिस्ट्री नहीं आती फिर भी आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, और बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम हल्का सा क्वेश्चन होता है जो शायद आप एक बार गो थ्रू हो चुके होते और आंसर टिक मार देते आराम से, तो ये चीज़ें बहुत बेनिफिट कर जाती हैं। इसलिए गो थ्रू होना एक बार जल्दी जल्दी बहुत ज़रूरी है। मेडिवल और एंशियंट से 2-3 दिन लीजिए और एक एक 2-2 घंटे दीजिए, जल्दी जल्दी एक बार ऊपर ऊपर सब देख लीजिए, ठीक है। और ये पॉलिटी तो आपका जल्दी हो जाएगा, ज्योग्राफी भी हो जाएगा। ज्योग्राफी में भी ऐसे ही करिए, जो टॉपिक्स अच्छे हैं जैसे अर्थक्वेक है या अभी ऐसे नाम रिवर्स सिस्टम है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को जो अच्छे टॉपिक्स हैं या जहाँ से क्वेश्चंस आते रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन चीज़ों को देखते रहिए रेगुलर। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस गो थ्रू जाओगे या अच्छे टॉपिक्स को गो थ्रू जाओगे उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती चली जाएगी जीएस सेक्शन में। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका लाइट है, साउंड चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं, तो उन चैप्टर्स को कर लीजिए। और मतलब कहने का मतलब है अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है तो कम से कम वो 2 चैप्टर्स कर लीजिए, और एनर्जी चैप्टर है, एनर्जी चैप्टर को थोड़ा सा, अब फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स बिल्कुल छोड़ दी क्योंकि आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आती है, और लॉ ऑफ एनर्जी एकदम सिंपल फिनोमेना है कि एनर्जी यूज मतलब एनर्जी जो है वो जितनी यूज होती है उतनी ही, जितनी डेवलप होती है उतनी यूज हो जाती है, या एक तरफ से खर्च होती है तो उतनी दूसरी तरफ गेन हो जाती है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, बट आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। और बाकी रीजनिंग का क्या है, देखिए रीजनिंग में आप 10-15 मिनट रोज दे दीजिए, क्योंकि
डीवीएस एयर जो पेपर्स हैं वही सफिशियंट है, बस उसी को ही लगा लीजिए। और मॉक्स जब लगाओगे तो वहाँ पे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो ही जाएगी। और रीजनिंग में मेन चीज़ टाइम की होती है, जब आप मॉक्स लगा रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इतने 10 मिनट में या 12 मिनट में आप 25 क्वेश्चन वो कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए, कितनी जल्दी आप कितना जल्दी कैलकुलेशंस कर लेते हो। वो जो मैंने स्पेशल अप्रोचेस बताई हैं वो अप्रोचेस तो आपको हेल्प करेंगी, उसके अलावा आप कैलकुलेशन वैसे भी कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए कि आप कैलकुलेशन कोशिश करिए कितना जल्दी आप कर लेते हो। जितना ज़्यादा आप एफर्ट डालोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बिल्कुल एकदम से इम्प्रूव कर जाओगे 2 महीने में, लेकिन फिर भी आपका कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। टाइम आपके पास अच्छा खासा है, बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। उम्मीद करता हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत टिप्स हैं आपके कुछ काम आ जाए और आप लोग सेलेक्ट हो जाए। पॉजिटिव रहिए, सिर्फ एक पोस्ट आपको चाहिए इतनी पोस्ट में और मिल जाएगी। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। और फिर भी उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मेरे इंस्टाग्राम यूज़र आईडी पे फूडी ट्रेवल सोल के नाम से है, तो वहाँ पे भी बात हो जाएगी। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।